सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई 21a डिवाइस के अंदर ऐप क्लोन सेटिंग का आप यूज कैसे कर सकते हो। ऐप क्लोन सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आप इसका यूज करके अपने फोन के अंदर एक व्हाट्सएप अगर यूज करो तो दूसरा व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो और उसे जो है अलग अलग नंबर से रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो चलो हम दिखाते हैं कैसे आपको यूज करना है ऐप क्लोन सेटिंग्स। हालांकि मैं ऐप क्लोन की बात करूँ तो हमारे फिलहाल हमारे फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन क्लोन एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। यहां पर आने के बाद जस्ट आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। हालांकि मेरा जो सेटिंग्स है वो डिफरेंट आपको मिल जाएगा क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉइड 12 में भी साथ रन कर रहा है। अगर आपको एंड्रॉइड 12 रन कर रहा है तो सेटिंग्स आपको डिफरेंट मिलेगी। आपको एक सर्च बटन मिलता है, आप यहां पर यूजली सर्च भी कर सकते हैं ऐप क्लोन। जैसे एग्जाम्पल के मैं यहां पर सर्च करता हूं ऐप क्लोन, तो हमारे पास ऐप क्लोन का ये सेटिंग्स आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास इजीली और हम इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से सर्च बार में अगर आप सेटिंग्स में आपको ओपन करने में दिक्कत हो रही है तो आप इजीली सर्च कर सकते हो और इजी तरीके से आप जो है ढूंढ सकते हो ऐप क्लोन सेटिंग्स का। हालांकि मैं अगर इसको मैनुअल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से कैंसिल करूँगा। इसके बाद नीचे आऊँगा, स्क्रॉल डाउन करके एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन एंड परमिशंस का, उसको हम क्लिक करेंगे। हमारे फोन के अंदर यहाँ पर आएंगे तो ऐप क्लोन सेटिंग्स आपको थर्ड नंबर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप एंड फेसबुक दो ऐसे एप्लीकेशन है जिसे हम इजीली क्लोन कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आपको जितने भी एप्लीकेशन मिलते हैं उन सबको आप क्लोन कर सकते हो। लाइक अगर आपके फ़ोन के अंदर टेलीग्राम है या फिर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इवन गैस अगर इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर उसका क्लोन करने के लिए आ जाएगा। सिंपली अगर हमें इसे क्लोन करना है व्हाट्सएप को तो हम यहाँ सिंपली इसको ऑन करेंगे और जस्ट यहाँ पर क्लोनिंग ऐप चालू हो रहा है और ये जो है प्रॉपरली व्हाट्सएप को डुप्लीकेट कर दिया, देख सकते हो डुप्लीकेटेड क्रिएटर डेस्कटॉप। तो ऐसे करके हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहूँ तो फेसबुक को भी यहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है डुप्लीकेट करने का। यहाँ से सबको रिमूव करता हूँ। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसका जो डुप्लीकेट है वो प्रॉपरली हमारे होम स्क्रीन पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड आपको फर्स्ट व्हाट्सएप एंड सेकेंड व्हाट्सएप दोनों शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर फर्स्ट फेसबुक और सेकेंड फेसबुक वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि आप यहाँ से कैसे करेंगे होम स्क्रीन से, सो उसे करना काफ़ी इजी है। जस्ट आपको सबसे पहले मैं इसे रिमूव करते हैं। देखो गाइस, अनइंस्टॉल करने का हमारे फ़ोन के अंदर अलग तरीका है। हमारे पास यहाँ पर कट बटन आ रहा है सबके साथ, लेकिन आपको ऑप्शंस कुछ आएंगे मे बी साथ ऐप इन्फॉर्मेशन एंड ऐप क्लोन, जो एप्लीकेशन क्लोन हो सकते हैं ऐप क्लोन के साथ ओपन होंगे। एंड गाइस वहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी मिलेगा, आप वहाँ से इजीली उसे अनइंस्टॉल कर देना। हालांकि मैं यहाँ से अनइंस्टॉल इसको करता हूँ क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से अनइंस्टॉल होता है एप्लीकेशन। इसको मैं क्लोज करूँगा। यहाँ से हमने प्रॉपरली सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया जितने भी हमने क्लोन क्रिएट किए थे। अब हम क्लोन करने के लिए जस्ट आपको जाना है इस वाले पैटर्न पे, यहाँ पर आ जाएंगे फेसबुक और व्हाट्सएप। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे फेसबुक के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर तो अगर वो एप्लीकेशन क्लोन क्रिएट कर सकता है आपका फोन, तो आपको वहाँ पर एक क्लोन ऐप का ऑप्शन आएगा। लाइक ये तीन चार ऑप्शन एक साथ ओपन होते हैं क्योंकि 12 में एंड्रॉयड 12 में ऐसा फीचर है और मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ एंड्रॉयड 12 का डिवाइस। हालांकि मेरे फ़ोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जब यूज़ करोगे इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको शो हो जाएगा ऐप क्लोन का, ऐप इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ऑप्शन होंगे दो चार। तो आपको क्या करना है, क्लोन बटन वाला प्रेस कर देना। हालांकि मुझे यहाँ पर प्लस का साइन प्रेस करना है जिससे हमारे फ़ोन के अंदर ये डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा इसका। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अब यहाँ पर एक डुप्लीकेट क्रिएट हुआ। वैसे आप जो है फेसबुक के साथ भी करेंगे, जैसे आप फेसबुक को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्लोन बटन का ऑप्शन आएगा। सिंपली क्लोन ऐप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फेसबुक का इजीली आपके फ़ोन में क्लोन क्रिएट हो जाएगा। हालांकि हमारे पास एंड्रॉइड 10 रन कर रहा है इसलिए हमें प्लस का साइन दिख रहा है और इस प्लस साइन पर हम क्लिक करके एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। लेकिन आप जो है उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जिसे क्लोन करना चाहते हो उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको क्लोन बटन का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली क्लोन ऐप पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपरली क्लोन हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं गाइज आप समझे होंगे कैसे इसका यूज़ करना है। हालांकि पर फिर भी आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।